दिल्ली समेत देश भर में 1 जून 2024 यानी आज से अलग अलग राज्यों में 6 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। इन बदलावों को जानना सभी के लिए जरूरी है, आपके लिए भी। कहीं आप से भी गलती ना हो जाए और आपकी जेब से आपको कई सारे पैसे ना देने पड़ जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ पूनम अधिकारी। आज जो बदलाव हो रहे हैं उसमें KYC और वाहन चलाने के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और वो आज से ही लागू हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव, 14 जून तक मुफ्त अपडेट होगा आधार कार्ड। आपकी पहचान के सबसे अहम दस्तावेज आधार कार्ड को मुफ्त अपडेट करने की तारीख को बढ़ाकर 14 जून कर दिया है, जिसे अब आगे बढ़ाने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आज ही आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए, नहीं तो 14 जून के बाद आपको ₹50 अपनी जेब से खर्च करने होंगे। दूसरे बड़े बदलाव की भी बात कर लेते हैं जो आज से लागू हो रहा है। अब कई और जगहों पर आप दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वाहन चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग टेस्ट यानी DL के लिए दिए जाने वाले टेस्ट के नियमों में अब लोगों को आज से थोड़ी राहत मिल जाएगी। अब तक DL पाने के लिए लोगों को RTO का चक्कर काटना पड़ता था और RTO के सरकारी केंद्र पर ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज से बदल गए हैं नियम। सरकार के अलावा अब निजी केंद्रों में भी जाकर आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि निजी केंद्र के पास सरकार द्वारा प्राप्त अनुमति पत्र होना जरूरी है, तभी वो ड्राइविंग टेस्ट पास होने का प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव जो आज से लागू हो रहा है वो है नाबालिग के गाड़ी चलाने पर ₹25,000 का जुर्माना। नए नियम के मुताबिक जो आज से लागू हो रहे हैं, अब नाबालिग वाहन चालकों पर अधिक सख्ती बरती जाएगी। नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर केवल ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि साथ ही उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड RTO के पास दर्ज हो जाएगा। अब चौथे बदलाव की बात कर लेते हैं। गैस सिलेंडर के लिए आज से KYC जरूरी घरेलू LPG। गैस सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन को जारी रखने के लिए KYC करना भी अब अनिवार्य हो गया है। पांचवें बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। आज से SBI क्रेडिट कार्ड का नियम बदलने जा रहा है। इस महीने से कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होगा। इसमें SBI से जुड़े सभी क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। एक और नियम आज से जो बदल रहा है वो ये है कि इसके मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस लेने और रिन्यूअल की प्रक्रिया से संबंधित शुल्क में भी बदलाव किया गया है। परमानेंट लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ₹200 का जो भुगतान करना होगा, वही इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस उसे बनाने के लिए ₹1,000 तक देने होंगे, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। तो आज से जो जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।